वेरी गुड मॉर्निंग जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयदा अरमला हसन। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, छुट्टी आपने एंजॉय की होगी और मंडे मॉर्निंग में जो मंडे ब्लूज होते हैं उसको भुलाकर आप नए सिरे से नई एनर्जी के साथ काम के लिए जाएंगे और ऑफिस आएंगे। आज चूंकि मैं थोड़ी स्लो हुई हुई थी, थोड़ी डाउन हुई थी कि सुबह सुबह उठना है, लेकिन फिर सोचा कि नहीं जनाब, ये तो एक बड़ा मज़ेदार काम है, आपने सुबह उठना है, लोगों को जगाना है और इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने उनके साथ शेयर करनी होती है। तो आज की इन्फॉर्मेशन जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है जनाब कि आज दुनिया भर में दही खवातीन जो कि दही इलाकों में रहती हैं उन खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का पर्पस यही है कि उनके हकूक के हवाले से, उनकी खिदमात के हवाले से, उनकी खिदमात के इतराफ के हवाले से लोगों को अवेयरनेस दी जाए। लेकिन जो ओवरऑल अगर हम जायज़ा लें तो हमारी जो दही खवातीन हैं आपकी माशियत में बहुत सारे हिस्से कह लें, आप पर मुख्तलिफ तरह के फोरम्स पे आपकी उनकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा रहती है, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट्स हो, चाहे वो खेती बाड़ी हो, किसी भी तरह का काम है। इवन हम अपनी बात करते हैं कि हम बहुत बिजी खवातीन होती हैं जो वर्किंग वुमेन हैं, जॉब भी करनी है, घर भी देखना है, तो बेसिकली उनका भी यही लाइफस्टाइल है कि उन्होंने अपने हस्बैंड्स के साथ खेतों में जाना भी है, उसके बाद अपने बच्चे भी देखने हैं, अपने घर का काम भी करना है, हर तरह से उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन रहती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो ये खवातीन हैं ये अपने बेसिक हकूक की वजह से बहुत ज़्यादा निगलेक्ट की जाती हैं, चाहे वो बुनियादी सहूलियात हों, बुनियादी हकूक हों या उनके हकूक का तहफ़ हो। उनके खवातीन को अक्सर हम देखते हैं कि जो दही इलाकों में रहती हैं उनके हकूक उनको प्रॉपरली नहीं मिल पाते या जुल्म सितम या इस तरह के मामला जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं। और ये सिर्फ घर और बावर्ची खाने तक महदूद नहीं रहती बल्कि बहुत ज़्यादा ये कॉन्ट्रीब्यूट भी करती हैं। लेकिन उनकी जो सारी मेहनत है ना ये आपकी GDP में काउंट की जाती है, ना उनको प्रॉपर मुआवजा मिलता है इस बात का। और ये हर तौर पर सामाजिक तबार से भी बात की जाए या उनकी पर्सनल लाइफ है, सोशल प्रेशर्स हैं, जो भी है, हमेशा ये इन्फ्लुएंस्ड रहती हैं, इनके ऊपर सामाजिक दबाव भी बहुत ज़्यादा होता है। और जो बात की जाए पाकिस्तान के शहरों के मुकाबले में, देहात में ख़वातीन को रोज़गार, फ़नी तरबियत और दीगर सहूलतें भी बहुत कमी का सामने। ये जो हैंडीक्राफ्ट्स की मैंने पहले बात की थी इसमें नो डाउट इनकी अपने स्किल्स भी काम आती हैं, लेकिन इनके लिए कोई प्रॉपर ट्रेनिंग जो प्रोग्राम से उस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं किए जाते, कोई छोटी मोटी NGO जाती है वो काम कर लेती है, थोड़ा सा अवेयरनेस दे आती है, लेकिन एट द एंड वही चीज़ें उसी तरह से चलती रहती है। ऑप्शंस चूंकि कम है इसी वजह से अब बेसिकली ज़रूरत क्या है कि इनके लिए स्टेट लेवल पर रिफॉर्म्स की जाएं, इनको इनके हकूक के हवाले से आगाही भी दी जाए और हकूक का तहफ़ या हकूक देना भी इनका यकीनी बनाया जाए और इसी खसूसी पॉलिसियाँ बनाई जा सकती हैं और इन पर अगर इम्प्लीमेंट होगा तभी कुछ होगा। तो लिहाजा ये तमाम दिन, इस आलमी दिन जो दही खवातीन की हम बात करें, इसको मनाने का पर्पज़ यही है कि इनके हवाले से दुनिया को भी अवेयरनेस दी जाए, इनको खुद भी अवेयरनेस और इनको इनके हकूक और सहूलियात मिले, क्योंकि शहरों में रहते हुए हमें ये पर्क्स हासिल हैं ही कि हम बहुत सारी चीज़ों से फैसिलिटेट हो जाते हैं हम खवातीन, लेकिन जहाँ पर ये रहते हैं, जिस तरह से इनके लाइफस्टाइल हैं, काम करते हैं, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें कंपल्सरी होती हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें मिल नहीं पाती। तो आज ये अवेयरनेस है और इस हवाले से ऑब्वियसली स्टेट लेवल पर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है ना। अब ये तो हमने आपको बता दिया कि आज कौन सा दिन मनाया जा रहा है, उसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग सी मेरे पास रिसर्च भी है, वो ये कि हमने एक बार एक टॉपिक भी रखा था कि हमारे यहाँ बात की जाए बुक रीडिंग की, तो उसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रहा है। बुक रीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, अब जो आपके गैजेट्स आ गए हैं, इंटरनेट एक्सेस है बहुत ज़्यादा, आप बुक ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, तो किताबों की जो अहमियत है वो कहीं ना कहीं खो जाती है और बहुत सारी पुरानी खस्ताहाल किताबें ऐसी भी होती हैं जिनको को लोग नहीं खरीदते। लेकिन ऐसी किताबों को दोबारा तवज्जो के काबिल बनाने के लिए एक जो फ्रांसीसी आर्टिस्ट है उसने नहायत अनोखा तरीका निकाला है। वो तरीका ये है कि वो इन बुक्स के ऊपर जो है मशहूर मकामात की शक्ल में इनको तराश देता है और बहुत सारी किताबों को जमा करके उन्हें किसी जो आपके लिए हिस्टोरिकल प्लेस है उसकी शक्ल दे देता है। कदीम कले हो, पहाड़ हो, दीवारें हो या मैदान हो, उनको तराशता है इस बुक को और ये कदीम इबादत गाहों को भी इन बुक्स के ऊपर पोर्ट्रे करता है, जैसे आप ये देख सकते हैं। तो जनाब ये वो कहता है कि लोग जो खस्ता हाली की वजह से इन किताबों को नहीं खरीदते थे वो इनको इतना अट्रैक्टिव बना देता है कि लोग जो इनको बहुत खुशी खुशी लेकर जाते हैं, क्योंकि पुरानी किताबें खरीदना तो कोई पसंद नहीं करता, लेकिन चूंकि अगर इन पर इतनी ज़बरदस्ती आर्ट हो तो डेफिनेटली लोगों की तवज्जो भी बढ़ जाती है और वो उसे ख़रीद भी लेते हैं। और यही आर्ट उसने सोशल मीडिया के ऊपर पोर्ट्रे की,
जो हमने आपके साथ शेयर कर ली। बदलते हुए मौसम में आपने अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखना है, और ऐसे मौसम में अक्सर लोग शिकायत करते हैं स्किन हमारी ड्राई हो गई है, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो स्किन के, और मतलब उनका एक कह लें उनको एक हवा मिल जाती है कि ऐसे मौसम में जो स्किन है उसके भी बहुत सारे मसाइल आते हैं। आज हम बात करेंगे इनके स्किन के तमाम मसाइल को, हमारा नंबर भी आपकी स्क्रीन पर होगा, आप हमारे पास जो डॉक्टर मौजूद होंगे डॉक्टर आतिफ काजमी होंगे, उनको हम वेलकम करते हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर आतिफ, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जनाब लाइव कॉल्स भी हम ले रहे हैं, अगर आपको कोई लगता है कि आपके स्किन का कोई इशू है कॉल करें, डॉक्टर साहब आपको जवाब देंगे। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हम बात करते हैं ड्राई स्किन की, चूंकि मौसम ऐसा है तो ऐसे में स्किन तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, ये ट्रांजिशनल फेज है, अब हम समर से ऑटम में, फिर विंटर में, फिर आगे स्प्रिंग, तो अब ये हो रहा है कि आजकल स्किन इतनी ड्राई हो रही है कि जो लोग मेरे पास आ रहे हैं पेशेंट्स, वो ज़्यादातर उनकी कंप्लेन ही ये है कि जी मौसम अब बदल रहा है और खुनकी हो जाती है, स्पेशली लाहौर में आजकल शाम को, अब तो एसी भी बहुत कम चलते हैं, रात को दिन को शायद चलते हैं और रात को नहीं चलते। तो मैं ये कहूँगा कि इस मौसम में सबसे बड़ी बात है वाटर इनटेक बहुत होना चाहिए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, फ्रूट्स और जूसेस ज़्यादा लें, ये यानी मैं आपको जो डाइट्री पहले सप्लीमेंट्स बता रहा हूँ, और उसमें कोशिश करें सुबह योगर्ट लें, उठ के दही खाएं, उसके बाद अगर हो सके तो ऑरेंज जूस ले लें, ग्रे फ्रूट एप्पल जूस वो लें, और उसके बाद जो सबसे ज़रूरी बात है हमारी स्किन को सॉफ्ट और मॉइस्ट रखने के लिए हमें मॉइस्चराइज़र यूज़ करने चाहिए, हमें इमोलियंट्स यूज़ करने चाहिए, मार्केट भरी पड़ी है लोशंस के साथ, तो कम अज़ कम हम दिन में दो दफ़ा, एक दफ़ा सुबह ऑफिस जाने से पहले अपनी बॉडी को उस पर इमोलियंट लगा लें, और एक दफ़ा रात को सोने से पहले, ताकि स्किन हमारी सॉफ्ट रहे। सॉफ्ट रहे। अच्छा डॉक्टर साहब हमारे नॉर्मली बदलते मौसम का स्किन बहुत ज़्यादा वो एक कह लें फटना शुरू हो जाती है, ड्राई स्किन हो जाती है, फिर हम लोग मॉइस्चराइजिंग का जैसे अपने का ख्याल नहीं रखते, डाइट हमारी वैसी है, इस ड्राई स्किन की वजह से भी बहुत सारे मसाइल होते होंगे डेफिनेटली, वो क्या है? देखिए ड्राई स्किन के साथ जिस तरह आपने खुद का स्किन क्रैक हो जाती है, अब अगर एक स्किन ड्राई हुई हुई और आप बार बार यहाँ खारिश कर रहे हैं या टांगों पे कर रहे हैं तो वहाँ क्रैक्स पड़ जाती हैं, उसको कहते हैं एक्जिमा। सो एक्जिमा को उर्दू में चंबल कहते हैं। अच्छा एक्जिमा जो होता है, एक ड्राई एक्जिमा होता है, एक वेट एक्जिमा होता है। एक तो वो एक्जिमा है जो बंदा पाँव पे खारिश करता रहता है हल्की हल्की हल्की, और वहाँ बड़ा मजा आता है, मीठी मीठी खारिश होती है। एक एक्जिमा होता है जब खारिश कर करके हम अपना खून निकाल लेते हैं, ऊज आउट सीरम करता है, तो ड्राई ड्राइनेस की वजह से एक्जिमा बहुत कॉमन है। सो इस वजह से हम कुछ लोगों को बच्चों में एटॉपिक एक्जिमा होता है, वो एटॉपिक एक्जिमा बच्चों में किन में आता है, जिनके पेरेंट्स में एस्थमा होता है, हे फीवर होता है, राइनाइटिस होता है, केरा गिरता रहता है, छींकें आती हैं कईयों को, तो उनके बच्चों में आगे एटोपिक एक्जिमा, बच्चा जब पैदा होता है तो मुंह रेड होता है, उसका जिस्म भी खारिश कर रही होती है बच्चे की, और वो फिर 12-14 साल की उम्र तक चलता है। तो हमेशा मैं इन पेरेंट्स को कहता हूँ कि दवाइयाँ तो हम देते ही देते हैं, पेशेंट ठीक भी हो जाता है, लेकिन इमोलियंट्स मॉइस्चराइजर्स और क्रीम्स और लोशंस और जेल ये दिन में 2-3-4 दफ़ा लगाएं, ताकि वो, और पानी का वाफर इस्तेमाल करें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब हमारे यहाँ वो डाइट का भी हम पहले बात कर रहे थे कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स और इस तरह की चीज़ें खाने का रिवाज बहुत कम है, बहुत कम लोग होते हैं जो प्रॉपरली डाइट ले रहे होते हैं, डिहाइड्रेटेड बॉडी भी हो जाती है समटाइम्स, और जब स्किन के ऊपर मॉइस्चराइजिंग करने के बावजूद जब इंटरनली आप फिट नहीं होंगे तो किस तरह से? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बात सबसे बड़ी यह है कि हम लोगों को, मैं आपको पहले भी एक प्रोग्राम में मैंने कहा था कि मेरे पास, क्योंकि हम लाहौर के रहने वाले, जो अंदरूने शहर के लोग आते हैं ना मेरे पास, वो बड़े पहलवान टाइप, तो मैं उन्हें कहता हूँ भाई फल खाते हो, वो डॉक्टर साहब जी टाइम ही नहीं मिलता फल का, हम खाना इतना खा लेते हैं, हमारा खाना खुना हरीसा निहारी सिरी पाए, तो वो कहते हैं उसके बाद फल का टाइम कहाँ मिलता है। सो लोगों को फल की सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस का नहीं पता, हाउ इम्पोर्टेंट आर फ्रूट्स टू योर लाइफ। मेरी अगर टेबल पे फ्रूट ना हो तो मैं खाना नहीं खाता, यानी मेरी बेगम को यह पता है कि मैंने दोपहर हो या रात हो, मैंने खाना तब खाना है कि जब कोई, ये नहीं कि मैं 2-2 किलो सेब या आम खा जाता हूँ या 12 किलो खा जाता हूँ। भाई अगर आप एक एप्पल ले लें, सेब को थोड़ा सा उसकी एक फाड़ी काट के खा लें, या अगर आप अंगूर ग्रेप्स थोड़े से ले लें, दैट इज इनफ, लेकिन फल के बगैर मैं तो समझता हूँ मैं तो जिंदा रह ही नहीं सकता, इतना जरूरी है। फिर आपको डिजर्ट्स थोड़ी बहुत लेनी चाहिए,
मीठा आपका जाता है, आप कोई दूध वाली, कई लोग मुझे कहते हैं दूध नहीं मैं पी सकता डॉक्टर साहब, दूध पीना बड़ा मुश्किल है, अब हमारी उम्र में दूध किस तरह पिए, तो मैं कहता हूँ यार मिल्क शेक पी लो, मिल्क शेक नहीं पीना, डिजर्ट ले लो, ये ट्राइफल ले लो, फिरनी ले लो, खीर ले लो, कस्टर्ड ले लो, पुडिंग ले लो, बिल्कुल इसी से हाँ नहीं शुगर वाले मरीज भी ले लें, लेकिन शुगर वाले चीनी कम डाले, देखे ना शुगर के मरीज का क्या होता है, अब शुगर वाला मरीज आता है हमारे पास, डॉक्टर साहब आपने तो मुझे कहा कि मैं ले लूं, भाई मैंने कहा मैं तुम्हें कब कहता हूँ मीठा खाओ, मैं तो ये कहता हूँ आजकल तो शुगर लेस हर चीज अवेलेबल है मार्केट में, शुगर फ्री शुगर लेस तो वो ले लो, लेकिन ये तो नहीं करना कि आप मरीज जो है उसको आप ये कह दो तुम्हें शुगर है सब कुछ खाना बंद कर दो, यू कांट डू दैट। तो ये इस वजह से जो आपने बात की ना डाइट की और फ्रूट्स की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो होता ये है कि इस मौसम में जब आप लोग कॉस्मेटिक्स यूज करती हैं, कई दफा मैंने देखा, मैंने कहा था मैं ये जरूर शेयर करूंगा, अब कॉस्मेटिक्स जो होती है ना वो डिफरेंट ब्रांड्स हैं उसके जो अवेलेबल है मार्केट में, एक कॉस्मेटिक्स होती है जो ड्राई स्किन के लिए, एक ऑयली स्किन, एक मीडियम स्किन के लिए, ये तो आप यू बीइंग ए फीमेल आपको तो पता है इन बातों का। अब हमारी खवातीन क्या करती हैं, उन्होंने टीवी पे देखा एक इंडियन एक्ट्रेस की एड आ रही है वो लगा रही है, उन्होंने सीधा जाना है मार्केट में, अब दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, वो जो इंडियन एक्ट्रेस की एड्स आती हैं, वो एड्स जो हैं, वो सिर्फ कमर्शियल है, दे गेट पेड फॉर इट, उनको पैसे मिलते हैं, exactly, अब उनको तो पैसे मिल रहे हैं, उन्होंने शायद कभी वो क्रीम या लोशन फाउंडेशन लगाई भी ना हो, हमारी बच्चियां हमारी खवातीन उस एक्ट्रेस को देख के तो भागती हैं, और उनको ये नहीं पता कि सबसे पहले जब ये जाती हैं, आपको भी मैं यही बताऊंगा जब भी जाएं तो अपने जो वेंडर है जिसके दुकान पे जा रही हैं उसको कहें मेरी स्किन जो है इसको पहले टेस्ट करो। तो यात्री हमारे से कॉलर रिहाना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं चुंगी अमर सिद्धू से बात कर रही हूँ। जी जी, तो मेरी स्किन इतनी ड्राई है मैं गर्मियों में भी लोशन यूज करती हूँ। अच्छा, तो रिहाना वालेकुम सलाम, अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। जी कर दिया। अच्छा रिहाना, आपकी स्किन ड्राई है, आप ये पूछना चाह रही हैं डॉक्टर साहब से, आपकी एज कितनी है? इतनी ड्राई है मेरी 33 एज है, इतनी ड्राई है कि मैं गर्मियों में भी लोशन यूज करती हूँ, करती हूँ तो पॉन्ड्स वालों का हूँ पर करती हूँ। आप मैरिड हैं? आप बेटा मैरिड हैं? अच्छा जी मैरिड हूँ। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह। माशाल्लाह, अच्छा ठीक है जी, मैं जवाब ठीक है अभी रिहाना आपका जवाब देते हैं, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, नेक्स्ट कॉलर ले लेते हैं साथ में सना। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सना, मेरा क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? खैरियत से? मैं ठीक हूँ, काफी देर बाद आपसे बात हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही सना, मुझे याद आ गया कि आप वापस टाउन से कॉल करिए, ठीक है? ठीक है। अच्छा सना, कुछ पूछना चाहेंगी? हाँ उर्मिला, मेरे मतलब काफी देर हो गई है, मतलब सर्दियों मौसम चेंज थोड़ा सा हुआ है, तो मेरे चेहरे पिंपल्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। पिंपल्स भी चेहरे पे बहुत ज्यादा है। हाँ अच्छा, आपकी एज कितनी है सना? मेरी 35। 35, मैरिड? हाँ, मैंने कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। 3 माशाल्लाह, ठीक हो गया, बस ठीक है जवाब ले देंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सना, पहली वाली हमारी कॉलर थी उनकी भी ड्राई स्किन थी और इनके पिंपल। हाँ, अब बात यह है कि दोनों की मैरिड है, दोनों मिड 30s में हैं, दोनों एक के 4 बच्चे थे एक के 3 बच्चे हैं। बात यह होती है एक बच्ची शादी से पहले उसकी जो हार्मोनल सिस्टम होता है वो डिफरेंट होता है, शादी के बाद जब बच्चे पैदा हो जाते हैं माशाल्लाह, जब प्रेगनेंसी होती है और डिलीवर होता है उसके बाद बॉडी का जो स्ट्रक्चर और हार्मोनल सिस्टम है वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। अब इन खवातीन दोनों में दे आर इन देयर मिड 30s, जो पहली है खातून उनको जो ड्राइनेस है स्किन की वो तो मैंने पहले भी जवाब दिया है उसका, लेकिन मैं उनको ये बता दूं कि वो अपने हार्मोन्स को भी इवेल्युएट कराएं। हमारी खवातीन का प्रॉब्लम यहाँ ये है कि जब बच्चे 2-3 पैदा हो जाते हैं तो वो अपने हार्मोन्स को और अपने गायनेकोलॉजिकल सिस्टम को भूल जाती हैं, वो नहीं कहती कि बाल जी अब बच्चे पैदा हो गए अब क्या होगा, हालांकि उनको जाके अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से रिपीटेडली एग्जामिनेशन कराना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे, देखिए ना मैं कईयों को कहता हूँ, मेरे पास खवातीन आती हैं जिस तरह ये बता, इन्होंने क्वेश्चन मुझसे पूछा दोनों ने, भाई मैं कहता हूँ आपने अपनी गायनी वाली को डॉक्टर साहब क्या जरूरत है, मेरे तो 3 बच्चे हो गए मैं तो अब ठीक हूँ। मैं कहा बीबी आपको अपना अंदरूनी ख्याल ही नहीं है किसी सिस्टम का कि आपके कोई अंदर हार्मोनल इश्यू हो जाए, अल्लाह ना करे कि वो एक साइलेंट डिजीजेज होती हैं जो साइलेंट किलर्स जिन्हें कहती हैं। अब ये कैंसर क्या है, कैंसर का पता कब चलता है, जब कैंसर फैल गया होता है। लोग कई आते हैं वो जी मेरे तो लिवर में भी चला गया, मेरे लंग्स में भी चला गया, अब तो मेरी, तो मैं ये कहा करता हूँ कि गाहे बगाहे अपने टेस्ट कराते रहो, और जो मैरिड खवातीन है इनको
6-6 महीने एक एक साल बाद अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाके पूरा इलाज कराना चाहिए। अब ये जो खातून है जिनको ड्राई स्किन थी, मेरा मशवरा होगा कि ये इमोलियंट यूज करें, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें, फ्रूट्स और जूसेस का ज्यादा इस्तेमाल करें, ठीक हो गया। और जो एक्नी वाली दूसरी पेशेंट थी सना, रखा उनका नाम था, सना के भी 3 बच्चे हैं, शी इज इन हर मिड 30s, तो सना को चाहिए कि वो अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जरूर जाए। रीजन उसकी क्या है, जो पिंपल्स और एक्नी है जो जिनको हम कील महासे कहते हैं, ये अर्मिला निकलती हैं टीनएजर्स में, 13 साल से लेके तो 20 साल तक। जब एक खातून की बच्ची की शादी हो जाए और शादी के बाद बच्चे हो जाएं तो फिर एक्नी रेयर होती, एक्नी आ सकती है लेकिन रेयर होती है, रेयर होती है तो गायनेकोलॉजिस्ट को। और उस एक्नी का कॉज क्या है, उस एक्नी का कॉज होता है हार्मोनल इश्यूज, तो ये अपनी मेंस्ट्रुअल इररेगुलरिटीज की बात करें, हो सकता है पॉलीसिस्टिक ओवरीज ना बाद में सिस्ट बन जाती हैं ओवरीज में, ये जाके वो डिस्कस करें, फिर हमारे पास आए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। अब तो हमारे पास लेजर्स भी अवेलेबल हैं एक्नी के स्कार्स के लिए, और हमारे पास पेट्स के लिए भी हम दवाइयां भी देंगे, स्किन को हम दवाइयों से ठीक कर देंगे और जहां स्कार्स और पेट्स हैं उनको लेजर से कर देंगे। लवली लवली। हमारे से नेक्स्ट कॉलर जी आयशा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो आयशा, आपको आवाज आ रही है? जी जी मुझे आवाज आ रही है। जी आयशा, क्या कहना चाहेंगे? मेरे ये अभी सर डॉक्टर साहब के ना अभी बताया उन्होंने कि 30 से ऑनवर्ड एक्ने स्टार्ट होते हैं, तो मेरे बेटे का ना आजकल तो एक इशू है कि उसके अंडर हैक्स पे ना रैश बहुत ज्यादा हो गया, तो वो पेंटे बच्चे पहनते हैं और इस तरीके से, हालांकि मैं सफाई का हर चीज का भी ध्यान। क्या एज है क्या आपके बच्चे की? 15 years old. उसको आप रैश की शिकायत कह रही है, राइट? हाँ जी, रैश की। और एक और मैंने बात कहना था कि जिस तरह सर एक्नी का बता रहे हैं, उसके चेहरे पे एक्नी निकलते जा रहे हैं। हालांकि आप आयशा उनको रैश किधर है आपके बच्चे को? ये अंडर लेग, अंडर लेग में। अच्छा, वो तो फंगस हो गया। ठीक है, हाँ जी, वो लेग्स के ना दरमियान, ठीक है। अच्छा, अब उसको एक्नी का भी प्रॉब्लम है और रैश का भी प्रॉब्लम है, ये दो जवाब देने हैं। बताती है कि है डॉक्टर यहाँ पे किंग डॉक्टर, उनसे क्लीना जेल और किंग। आयशा आपकी आवाज नहीं आ रही। क्वेश्चन पूछ लूं? जी जी। आयशा आपका जो बेटा है जरा थोड़ा सा हैवी है, जरा चबी है? जी जी। हाँ, जरा मोटू सा है बच्चा आपका? जी। और आपका बच्चा फास्ट फूड वगैरह और ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं ये काफी लेता है? जी, सॉफ्ट ड्रिंक्स वो लेता है और वो सब्जी और गोश्त भी खाता है, बस वो कहते हैं मुझे ना कि मैं फ्रूट्स खाता है। फ्रूट्स खाता है? फ्रूट्स में वो केला खा लेगा मैक्सिमम या जूस पी लेगा। ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जो इस्तेमाल है वो कम है और जंक फूड का इस्तेमाल ज्यादा है। अभी आयशा का जवाब लेते हैं, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। नेक्स्ट कॉलर जनाब हमारे साथ गुले मुश्ताक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ये इस्लाम लाहौर, सॉरी सलाम लाहौर। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगी, कुछ पूछना चाहेंगी? जी जी, एक्चुअली मेरी जो सिस्टर है ना जी, तो उनके नाखून सर्दी की वजह से खराब हो रहे हैं काफी ज्यादा। किसकी वजह से हो रहे हैं? सर्दी जो ही पड़ती है ना उनके नाखून खराब होना शुरू हो जाते हैं इनके सिस्टर के। अच्छा, और वो सिस्टर जो है उनकी एज कितनी है? उनकी 30 और वो मैरिड है ऑब्वियसली, और घर का काम भी खुद करती हैं सारा, किचन का, लॉन्ड्री का। बस ठीक, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग गुले मुश्ताक। डॉक्टर साहब हमारे पास 1-1.5 मिनट है, जल्दी से जवाब लेते हैं। पहले एक बच्चे का वो जो था, मैंने एक क्वेश्चन बड़ा रेलिवेंट पूछा था कि मोटू सा बच्चा है, वेट वो मैंने क्यों पूछा था कि ये मोटे बच्चे जो होती हैं 15 साल के, उनकी थाइल जो होती हैं ये इतनी हैवी हो जाती हैं कि जब ये चलते हैं, भागते हैं, स्वेट करते हैं और वहाँ फंगस हो जाती है, तो ये इनको चाहिए बेटे का वेट। और वो कहती हैं बच्चा फास्ट फूड भी खाता है, बच्चा ये सॉफ्ट ड्रिंक्स भी लेता है और बच्चा जंक फूड खाता है, तो एक्नी तो उस वजह से निकलती है। आजकल सब बच्चों ने ये काम पकड़ लिया है, माँ बाप को फास्ट फूड के लगा दिया, तो ये उस तो वो ये कम कर दें, बच्चे को घर के खाने ज्यादा दें और वजन कॉलर। और दूसरी कॉलर जो है जिन्होंने नेल्स की बात की है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं सबको ये आपको एजुकेट कर दूं, जितनी हमारी हाउसवाइव्स हैं जो मैरिड खवातीन हैं, ये घर का काम करती हैं, जब ये अनियन गार्लिक और ये टोमेटोज उसको चॉप करती हैं, काटती हैं प्याज लहसुन को, तो ग्लव्स नहीं पहनती। उसके बाद जब ये लॉन्ड्री का काम करती हैं, कपड़े धोती हैं, तो होता क्या है पानी नाखूनों में चला जाता है और नाखून में जाके उसको फंगस करता है और हाथों में एक्जिमा करता है, जिसको हम हाउसवाइफ एक्जिमा कहते हैं। तो मैं सारी खवातीन को
اس پروگرام کے تھرو میسج دوں گا گلوز پہن کے کام کریں, یہ ڈسپوزیبل پالیتھین کے گلوز, یہ گلوز پہنے پلس جو نیلز خراب ہو گئے ان میں فنگس ہے, ہمارے پاس آئیں ہم نیل کی ٹریٹمنٹ کریں. لولی, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر عادل, بہت شکریہ. اب آج ہم نے کوشش کی ہے کہ ڈرائی اسکن کے حوالے سے آپ کو بھرپور طریقے سے ایویننگز دیجیے, کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے, آپ کی اسکن بھی افیکٹ ہوتی ہے. اور ابھی ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے.